हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा सेकेंड व्लॉग है जो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का। मेरे को नहीं पता इतना अच्छा आएगा, लोगों के सजेशंस आए, कमेंट आए कि भाई क्या वीडियो बनानी है और क्या गलत बोल दिया या क्या गलत। बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, फर्स्ट वीडियो होती है, सबकी होती है। तो सब ने फिर मेरे को करेक्ट करा कि भाई कहाँ का गलती है। DM भी आए बहुत लोगों के, तो उसके लिए फिर से मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों को। तो भाई शाम के बज रहे हैं 6 और डिलीवरी एजेंट का फ़ोन आया है, वो कुछ एसेसरीज लेके आया है, व्लॉगिंग एसेसरीज। मेरे पास कुछ है नहीं व्लॉगिंग एसेसरीज के लिए, तो मैंने कुछ मंगाया है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो एक आइटम उसमें से था, दो आइटम मैंने मंगाया है, एक आइटम था ऑलरेडी जो कि ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्ट, मेरे को नहीं पता, ना आइडिया है। तो वो मैंने वो फिर से मंगाई है और एक और आइटम है, तो मैं लेके आता हूँ। जब तक आप एक काम करो, कमेंट करो और गेस करो कि क्या है, मोस्ट ऑफ शायद कमेंट सही हो जाए। तो लेके आता हूँ मैं चीज़ें, फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई अपनी व्लॉगिंग एक्सेसरी आ गई है जो कि इस हाल में पड़ी है, क्योंकि भाई मैंने जो डिलीवरी बॉय आया था मैंने उसको ये बोला था कि भाई ऊपर से फेंक दियो, कोरोना का टाइम चल रहा है तो नो कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी होनी चाहिए ना। भाई इसे उठाऊँ कैसे, एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में ये, तो चलो भाई ऊपर जाके बात करता हूँ। A few moments later. तो भाई मैं ऊपर आ गया हूँ और ये दो बॉक्स आए हैं जो कि व्लॉगिंग एक्सेसरीज के लिए। तो गैस करो, कमेंट करके बताओ कि क्या है इसमें। पहला वाला तो मैं खोलने वाला, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरे वाला क्या है वो गैस करके बताना, अभी कमेंट गैस नहीं कमेंट करके बताना, ठीक है? तो लाओ उसको खोलता हूँ मैं। कहाँ से खोलेगा भाई? कटर नहीं था, सीजर से काम चलाना चलेगा, सीजर से काम चलाना पड़ेगा। भाई ये तो आ गया अपना ट्राईपॉड जिससे अब व्लॉगिंग हुआ करेगी। ये इसका मोबाइल होल्डर है और ये इसका पकड़ने का, ठीक है? और सेकंड चीज़ स्लो ओपन करते हैं। इतनी छोटी सी चीज इतने बड़े बॉक्स में आई है। भाई ये दो भाई रिंग लाइट वीडियो को एनहेंस करने के लिए, ये भाई ये लाइट, ये इसका USB पोर्ट, चार्जर या किसी भी पावर बैंक में लग जाएगा। ये शायद इसका रिमोट है जो भी कनेक्ट होगा। ये मोबाइल होल्डर है, इसका छोटा सा ट्राईपॉड है ये तो इधर साइड में रख देता हूँ उसको। और ये है इसका स्टैंड, ये तो समझ ही भी क्या है, ये तो भाई नहीं चला गया इसमें आशिक। ये हो गया भाई इसका स्टैंड। तो भाई अब इन दोनों चीज़ों का टेस्ट करते हैं। भाई ट्राईपॉड तो होगा बाहर और ये तो घर में ही होगा अंदर, तो दोनों को ट्राई करके दिखाते हैं। A few moments later. तो भाई कुछ ऐसा सा है सेटअप, भाई इससे ना वीडियो से बंदा इनहेंस हो जाता है बड़े खतरनाक लेवल पे। तो भाई देख ही सकते हो मेरे को इतना इनहेंस हो गया हूँ। तो भाई ये चीज़ मैंने पहले भी दिया है, 5-6 महीने पहले भी थी, बट पता नहीं क्या एग्जैक्ट रीजन ना टूट गई किस रीज़न की वजह से,
या पता नहीं क्या उसके अंदर डिफॉल्ट आ गया था, मेरे को ना टूटी मिली थी मेरे को। तो भाई कमेंट करके बताना कैसा सा लग रहा हूँ मैं इसमें, और मेरे को ये रिंग लाइट यूज़ करनी चाहिए व्लॉग के टाइम। वैसे तो आई प्रेफर कि व्लॉग के टाइम तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बट फिर भी आई नीड योर सजेशंस। तो भाई बताना वीडियो कैसी है। और अभी तो एक चीज़ रह गई है, अभी तो ट्राईपॉड रह गया है, तो वो तो अभी चेक करना है। शाम के अभी 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 6:30 करीब बज रहे हैं, तो 6:30 बजे तो उजाला होता नहीं है। तो भाई टेरेस पे आना पड़ेगा या गार्डन में जाना पड़ेगा, कहीं देखते हैं। टेरेस ही प्रेफर करूँगा, उधर चलता हूँ, थोड़ा मौसम भी अच्छा सा हो रहा है, तो वहाँ जाके दिखाता हूँ ट्राईपॉड का यूज़ करता हूँ ये कैसी लग रही है। और भाई कमेंट करके ज़रूर बता दें कि दोनों चीज़ें कैसी लगी। वैसे सब मैंने देख रखी हैं, बट उससे फ़र्क आया, जो पहली वाली वीडियो बनाई थी वो किसी भी एसेसरी के थ्रू नहीं बनाई थी, वो नॉर्मल मैंने हाथ से पकड़ के फ़ोन बनाया था, ठीक है। अब ये सब ट्राईपॉड और ये रिंग लाइट इसके वैसे बना रहा हूँ, तो बताना वीडियो एनहांस हुई कि नहीं हुई, और क्या क्या चीज़ें मैंने एनहांस करनी चाहिए। देखो तो भाई आपका सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ना इंसान बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जैसे मैं आज कुछ भी या अच्छा ना लगा या कुछ गलत कर रहा हूँ या आपने मेरे को बता दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं करूँगा वो चीज़, या कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा भाई, क्यों गलती हो रही है। जब तक आप नहीं बताओगे भाई मेरे को तो मेरी वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि मैं बना रहा हूँ, और मैं ऐसे बनाता रहूँगा और अच्छे ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। और भी कंटेंट लाऊंगा मैं भी, अभी तो भाई थोड़ा कोरोना चल रहा है, घर वाले अलाउड नहीं कर रहे बाहर जाना, वरना तो मैं भी बाहर जाऊँ पता नहीं। ऐसे मैं बहुत घूमता हूँ, ऐसा नहीं है, बाहर ही रहता हूँ 24 घंटे। वो तो लॉकडाउन लग गया था, फिर ये कोरोना वोरोना के चक्कर में घर रह रहा हूँ, यहीं चिल मार रहा हूँ, और घर में जितना हो सके उतनी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई बोरियत मिट जाती है, ब्लॉग का ब्लॉग हो जाता है। और इससे ना लाइक कैमरा शायद मैं भी बहुत बड़ा कैमरा शायद था कि मेरे को डर लगता था, बट मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाया कि भाई यू कैन डू इट, ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप करना पाओ, मैं क्या कोई भी कर सकता है, बट कॉन्फिडेंट लाना पड़ता है, थोड़ा शर्म को थोड़ा साइड करना पड़ता है, फिर वीडियो बनाई जाती है। तो भाई टेरेस पे जाता हूँ, ट्राईपॉड से वीडियो बनाता हूँ, और बताना कैसी लगी। तो गाइस मैं टेरेस पे आ चुका हूँ, तो ये ट्राईपॉड का चेक हो रहा है लाइक कितना स्टेबल है क्या नहीं है, मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितना स्टेबल होगा या नहीं, तो कमेंट करके बताना कितना स्टेबल है। पीछे का व्यू भी देख सकते हो कितना अच्छा है, सनसेट हो रहा है, आप स्टेबिलिटी चेक करो इसमें कैसी लग रही है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है, सनसेट और एक सनराइज दोनों भी अच्छा आता है, और फोटो लो तो और अच्छा आता है। ये पीछे का एरिया है घर की साइड का, लाइक पीछे कुछ ऐसे पड़े हुए हैं ज़मीन और वो सब। तो गाइस स्टेबिलिटी चेक करो कि कैसी आ रही है, मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ हिलाने की जितना हिल सके, और व्यू भी सही आ रहा होगा क्योंकि इससे ना थोड़ा सा एक एंगल बन जाता है अच्छा, कि व्लॉगिंग करते वक्त थोड़ा सा वाइड दिखता है। वैसे तो फ़ोन में है अल्ट्रा वाइड एंगल, बट उससे थोड़े से लाइक क्वालिटी गिर जाती है उसकी, नॉर्मल कैमरे पे इस पर थोड़ी वाइड हो जाती है। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। ये ऊपर टावर है करके, पीछे का व्यू, और आपको बारिश का मौसम टाइप हो रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, बारिश हो सकती है, सेट तो ज़्यादा ही काले हो रहे हैं बादल। ये भाई घर का आसपास का लोकेलिटी है ना, व्यू भी अच्छा है। तो गाइस फिर मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, कैसा लगा कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। और जो लास्ट वीडियो थी मैं उसको अपना नाम बताना भूल गया था, जो मेरा चैनल का नाम आपको तो पता ही निक्स दैट नेशन है, और मेरा नाम है निखिल चौधरी। और वैसे तो जो मेरे को जानते हैं ऑलरेडी पता है मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो अब वीडियोस आती रहेंगी कुछ ऐसी टाइप की, है ना। तो फिर आज के व्लॉग को ही एंड करता हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जो नए हैं वो तो बिल्कुल ही कर देना भाई, क्योंकि भाई सपोर्ट मिलता है ना तो अच्छा भी लगता है, वीडियो बनाते वक्त इंटरेस्ट आता है कि भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो बनाते हैं, अब कम आएंगे लाइक नहीं करेंगे तो फिर मन भी नहीं करता है अंदर से।
तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स सबको करो, और कमेंट करके प्लीज़ बता देना वीडियो कैसी बनी। तो टिल देन बाय, विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।